this is Bhaktabir Mehmuud, and welcome to my chutta sa fan-based analysis on uh, the World Cup, ICC Men's World Cup 2023, which is happening in India. And up to the matches, if you aaj ko jo match, tha, which was India versus New Zealand, uh, top two teams, top two tiers, which are प्रूफ कर चुके हैं कि जितने भी मैचेज उन्होंने खेले उन सारे मैचेज में जीती हैं और विदाउट अ डाउट न्यूजीलैंड एंड इंडिया उनका बनता है हक बनता है भाई कि वो टॉप में आए ठीक है छोटी मोटी टीम्स हमारी जैसी टीम्स भी गई में खेलने के लिए लेकिन इतने बुरे तरीके से हारते हैं कि हमारा रन रट भी जो है ना हमें कहीं भी ऊपर नहीं पहुंचा पा रहा अनफॉर्चुनेटली या दैट्स द सैड रियलिटी आज के मैच की अगर बात करें तो इंडियन साइड के ऊपर uh, इंडिया क्योंकि मैच जीता तो हम उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज ने पाँच विकेट्स लिए और उसके बाद बैटिंग में अगर बात की जाए तो विराट कोहली uh, ऐसे नहीं उनको लेजेंड कहा जा रहा है कोई वजह है उनके प्रोफेशनलिज्म जब वो क्रिकेट uh, जब नेशनल टीम से जरा लेफ्ट राइट भी हो रहे थे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे ही मेड इज़ बाउंस बैक ही शोड बाई हिज़ परफॉर्मेंस उनके प्रोफेशनलिज्म से कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली ये केस जो है ये uh, बाबर आजम के लिए नहीं हो रहा आई नो आई हैव बिन क्रिटिसाइजिंग हिम नॉट एज एन एक्सपर्ट बट एज अ फैन के भाई हमारा भी दिल चाहता है कि ओडीआई uh, का टॉप बैट्समैन ओडीआई रैंकिंग में जो टॉप चार्ज पे है वो पाकिस्तानी बाबर आजम है लेकिन फिर भी कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है अगर विराट कोहली की किस्मत भी आज साथ देती क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 95 फाइव रन स्कोर किए और 104 बॉल्स और बहुत कोशिश की आई थिंक मैच जब इंडिया ऑलमोस्ट जीतने ही वाला तो सब का जो ध्यान था वो चला गया था कि जी क्या विराट कोहली आज अपनी सेंचुरी करेंगे और उनकी सेंचुरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि अगर वो फोर्टी प्लस वन यानी कि फोर्टी सेंचुरी कर लेते आज तो ही वुड हैव बीन अमंग टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द मोस्ट सेंचुरीज इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद नान अदर दैन सचिन तेंडुलकर तो ये उनके लिए अवार्ड बहुत ज्यादा मैटर करना था नहीं कर सके नो प्रॉब्लम अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है और विराट कोहली ने आगे बहुत सारे मैचेस खेलने भी हैं मोहम्मद सराज इनको शुरू में बड़ी तनकीद भी की जाती थी कि शायद इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से आ, अच्छी नहीं है क्वेश्चनेबल है बट ओवरऑल ही इज़ प्रूविंग हि न्यूजीलैंड जैसी टीम जिसका रन रेट की बेसिस के ऊपर भी इंडिया से ज़्यादा एक बेहतर रिकॉर्ड था दोनों ने चार चार मैच खेले थे और चारों ही वो जीत चुकी थी आज पाँचवा मैच था दोनों टीम्स के लिए सो इट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट मैच ये इम्पोर्टेंट मैच जो है विदाउट डाउट इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जीती है सो so, दिल से तो यही उम्मीद है कि भाई बस इंडिया ना जीते बाकी कोई भी टीम जीत जाए तो वो अगले कुछ मैचेस हैं अगले कुछ मैचेस में उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करके एनबा सन ये सन नो सन रन रेट और उसके ऊपर आने के ऊपर हमारे कैलकुलेशन हो ना उसके ऊपर हम आने को तैयार हो गए चलें दुआ करते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अच्छा सा परफॉर्म करें और ये भी दुआ करते हैं कि इंडिया थोड़ा सा बुरा परफॉर्म कर ले थोड़ी सी तो थो दिल को तसली होने दें भाई कुछ तो करने थे आई नो ठीक है आपका और स्टेज का जो है मतलब क्रिकेट स्टेडियम का बड़ा प्रेशर है क्राउड नहीं है फैंस नहीं है लेकिन दुनिया भर में ऐसे ही होता है कहीं पर भी होम ग्राउंड के ऊपर आपको अगर यहाँ पे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपको होता है कि जी होम ग्राउंड का बड़ा प्रेशर है प्रेशर तो फिर लेना है ना भाई क्रिकेट तो खेलनी है और अच्छे तरीके से खेलनी है और कोई ना कोई टाइटल तो जीतना है क्योंकि बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट में टाइटल नहीं जीता बाबिर आजम प्लीज़ सुन ले हम सबकी फरियाद और अपना बहुत ख्याल रखें टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़